हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बटर गार्लिक सॉल्टेड पीस। स्टार्टर के हिसाब से आप इसे बना सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अगर रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। मैंने यहाँ पे 1 कप बॉयल मटर लिया है। आधा लीटर गर्म पानी में 1/2 टेबल स्पून नमक डाल के उसमें मैंने मटर को डाल दिया और 3-4 मिनट के बाद मटर जब पानी के ऊपर तैरने लगे तब इसे हमें निकाल लेना है और पानी को झरने देना है। अब कढ़ाई में 1/2 टेबल स्पून के करीब बटर डालेंगे और बटर को पूरी तरीके से मेल्ट कर लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। बटर जब अच्छे से मेल्ट हो जाए तब इसमें चॉप किया हुआ 3 से 4 कलियां लहसुन डालेंगे। इसे मैंने रफली चॉप कर लिया है और इसी के साथ ही 2 चॉप किया हुआ मिर्चा टेस्ट के हिसाब से। अब मिर्चा और लहसुन को हमें लगातार चलाते हुए भून लेना है। लहसुन को हम 50% तक भून लेंगे। लहसुन जब इस तरह से भुन जाए तब इसमें डाल देंगे बॉईल किया हुआ मटर। आप इसे कच्चे मटर से भी बना सकते हैं। अब इसमें डालेंगे काला नमक स्वाद अनुसार, आप सादा नमक भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा हल्दी पाउडर, बिल्कुल थोड़ा सा ही डालेंगे। अब इसे हम मिला देंगे और करछी को चलाते हुए इसे मीडियम हीट पे 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। अब कच्चे मटर से बनाएंगे तो थोड़ा सा पानी डाल के इसे ढक के पकाए। 2-3 मिनट के बाद इसमें हम डाल देंगे काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून के करीब या टेस्ट के हिसाब से। चाट मसाला डालेंगे 1 टीस्पून के करीब। आप इसके जगह पे नींबू का रस भी डाल सकते हैं। इसे हम मिला देंगे और 2 मिनट तक मीडियम हीट पे भून लेंगे। मटर का ऊपर का हिस्सा जब हल्का सा क्रिस्पी हो जाए बिल्कुल इस तरह से, तब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा चॉप किया हुआ हरा धनिया और इसे मिला देंगे और गैस को ऑफ करेंगे। और ये हमारा बटर गार्लिक पीस तैयार हो चुका है। अब इसे सर्व करेंगे। आप भी इसे घर में ज़रूर ट्राई करें। पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।